बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FIA के जॉब्स में आपने अप्लाई कैसे करना है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे और जल्दी जल्दी बताऊँगा। तो जो से इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपने जैसे ही साइट पर आएंगे, आपने ये एरो का साइन दिख रहा है रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। न्यू इंटरफेस आते साथ ही आपने उसमें अपना नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, CNIC डालना है, मोबाइल नंबर पेस्ट कर देना है, वो मोबाइल नंबर जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हुआ। फिर इसके अलावा अपना सही ईमेल, आप खुद से पासवर्ड लगा दीजिएगा, पासवर्ड अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। और फिर वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, और रजिस्टर हो जाना। रजिस्टर होते साथ ही दोबारा बैक आइएगा, अपना ईमेल, पासवर्ड और वैलिडेशन कोड डाल के रिमेंबर मी पर चेक लगा के लॉगिन कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्टर होने के लिए डाला था वो आपके सामने वाजिया हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे जेंडर पूछा जाएगा, आपने अपना मज़हब सेलेक्ट करना है, तारीख़ पैदाइश लिखनी है, एज रिलैक्सेशन अगर आप की है तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज़ नो क्लेम कर दीजिएगा। डिसेबिलिटी माजूरी कहते हैं अगर है तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। टेस्ट सेंटर अपना सेलेक्ट करके आगे फिर एड्रेसेस पर आ जाना। एड्रेसेस में आपने अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करना है, सूबा सेलेक्ट करना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एड्रेस जो कि आपका एड्रेस होम एड्रेस वो लिखना, और परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आपने अपना पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वही पुलिस स्टेशन का भी डिस्ट्रिक्ट होगा, और जो आपके इलाके का पुलिस स्टेशन है वो उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। जैसे ही सेव करेंगे ऊपर आपके सामने सेव लिखा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने अपलोड करनी है अपनी प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक जो है जब आप अपलोड करेंगे तब पिक्चर अपलोड सक्सेसफुली लिखा आना चाहिए, 30 KB से लेस फाइल की साइज़ होना चाहिए। अब बाज़ दोस्तों के पास जो चाहिए तस्वीरें जो चाहिए वो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, तो उस साइज़ को आपने कैसे कम करना है उसके लिए आपने IM रिसाइजर करके ये इस लिंक पर चले जाना है। लिंक पर जाते साथ ही आपने इमेज सेलेक्ट करनी, इमेज सेलेक्ट करके आपने नीचे आके आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। फिर पिक्चर का फाइल साइज़ यानी कि आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, मीन 25 KB कर दें, सिंपल जो रिक्वायरमेंट है ना। और फिर इसके अलावा फॉर्मेट JPG, ठीक है, और फिर आप लोग इसे डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए ऊपर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साइट FIA के साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना अपना टाइम वेस्ट हो। आप अभी देख सकते हैं कि इस पिक का जो साइज़ है वो 25 KB हो गया है। तो अब मैं इसे जैसे ही अपलोड हम इसे करेंगे तब इस तरह का आ जाएगा हमें एक मैसेज कि पिक्चर अपलोड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद आपने एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस अपना अपलोड करना है, जिसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपने मैट्रिक, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो सबसे पहले मैट्रिक का मार्क्स फील्ड वगैरह ये सब कुछ फिल करेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का सब कुछ फिल करेंगे, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स मीन जो जो से आपने उसमें मेन सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो आपने अंदर मेंशन करने हैं हर एक मीन क्वालिफिकेशन में, और इस तरह का फिर आपके सामने कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा जब आप क्वालिफिकेशन फिल कर दें। क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। आप जिन जिन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे वो पोस्टें आपके सामने वाजे हो जाएंगी। याद रहे आप उन पोस्टों पर अप्लाई करें जिनकी सीट्स ज़्यादा हैं, जिनमें आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। इस अप्लाई करने से पहले आपने मीन एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा। अप्लाई अब कैसे होगा, जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है उसके सामने टिक पर जो है ये बना हुआ है ब्लू टिक, इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।